एलएलसी टी20 को लेकर क्या कहना है आपका? जी देखिए, ये तीसरा सीज़न है, इनके साथ तीसरी बार जुड़ रहा हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो है यू लव दिस गेम, और दूसरी बात आपके पुराने दोस्त यार आपको मिल रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, सो यू आर रीलिविंग योर पास्ट। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रज्ञान ओझा, जिन्हें किसी बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप सब उन्हें जानते हैं, आप सब ने उन्हें खेलते हुए देखा है। कुछ सवाल हमारे होंगे और उनके जवाब होंगे, आइए बात करते हैं प्रज्ञान ओझा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। एलएलसी टी20 को लेकर क्या कहना है आपका? जी देखिए, ये तीसरा सीज़न है, इनके साथ तीसरी बार जुड़ रहा हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो है यू लव दिस गेम, और दूसरी बात आपके पुराने दोस्त यार आपको मिल रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, सो यू आर रीलिविंग योर पास्ट। मुझे लगता है उससे बढ़िया मोटिवेशन और क्या कहते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉर टू इट। अच्छा, जैसे आपने बताया पुराने दोस्त यार मिल रहे हैं, जब इंटरनेशनल खेला करते थे तो जो ग्राउंड पे एक अग्रेशन दिखता था, एक अग्रेसिवनेस दिखती थी, यहाँ भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक जो राइवलरी दिखती थी दोनों टीमों के बीच में, यहाँ लगता है यार सामने वाला भी तो अपना दोस्त ही है, साथ में खेलें, तो ऐसी चीज़ें कुछ आती हैं क्या? देखिए, जब आप खेल रहे हैं, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस होता ही है, उस तरीके से आप खेले हो और खेलना चाहते हो। लेकिन अगर आप बात करें राइवलरी, वो स्लेजिंग, मुझे नहीं लगता वो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बात तो दिस इज़ अ टूर्नामेंट विच यू डन विथ योर प्रोफेशनल करियर, एंड यू आर प्लेइंग दिस टू रियली इन्जॉय द स्पोर्ट, एंड उसमें मुझे नहीं लगता है कि आप दोस्त यार या किसी कोलीग के साथ वो राइवलरी रखना पसंद करेंगे। दैट्स वॉट आई फील पर्सनली। अच्छा, यंगस्टर जब से करियर शुरू किया तब से लीजेंड, अब लीजेंड लीग खेल रहे हैं आप, कैसा सफ़र रहा, कैसी यात्रा रही? और एक चीज़ और, करियर शुरू कहाँ से हुआ था? देखिए, करियर तो वैसे शुरू हुआ जैसे सबका शुरू होता है। आप स्कूलिंग वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से हुई सब आपकी? देखिए, हैदराबाद से हुई है पढ़ाई, हैदराबाद में पला बड़ा हूँ मैं, और नॉर्मल बच्चा, 90s का बच्चा क्या करता था, टेलीविज़न पे देखता था मैच और सचिन को खेलता हुआ, बिल्कुल सचिन पाजी को देखना, इंडियन टीम को अच्छा करते हुए देखना। हमारे कोच रॉबिन सिंह है, मेरे फेवरेट प्लेयर रह चुके हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे तब समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए ना, तब समझ में आया कि रॉबिन सिंह जो है उनका योगदान कितना रहा है, क्योंकि पुराना बॉल दिख नहीं रहा है, सफ़ेद गेंद जब उसका जो लैकर होता है ना निकल जाता है, स्पेशली नाइट में बॉल दिखता नहीं है, और उसके साथ साथ रिवर्स स्विंग, वहाँ पे वो जाके मैच बनाते थे इंडियन टीम के लिए, तो तब आपको समझ में आता है कि सिर्फ एक बड़ा प्लेयर या फिर एक बड़ा बॉलर आपको जिताता नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किरदार होते हैं जो आपको गेम बना के देते हैं और वो दिखते नहीं हैं, तो वो चीज़ जब आप समझते हो ना, तो फिर आपको इस गेम से प्यार हो जाता है। अच्छा, तो आपके फेवरेट प्लेयर रॉबिन सिंह? देखिए, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर युवराज सिंह आए जब उसी तरीके से खेलने लगे, फिर अगर बॉलिंग की बात करें तो भज्जूपा हैं, अनिल भाई हैं, वेंकटपति राजू, जिनको मैं देख मतलब बड़ा हुआ देखते देखते, क्योंकि हैदराबाद से वो भी खेलते थे, तो उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं जाके जब भी मैं 14-15 ईयर का भी था ना, रणजी ट्रॉफी देखता था, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर आके खेलते थे, स्पेशली हैदराबाद में जिमखाना ग्राउंड्स में। अच्छा, कई सारी चीज़ें सामने आती थी, जैसे BCCI में प्लेयर्स को लेकर, या बहुत सारी तमाम चीज़ें सामने आईं, जैसे किसी प्लेयर के साथ मौके कम मिलना, या इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, सिर्फ क्रिकेट की बात ना करते हुए ऑल द वेज ऑफ लाइफ में अगर आप देखें तो किसी को ज़्यादा मौका मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन आप उस मौके में कितना अपना एफर्ट डालते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपके हाथ में जो है वो करना चाहिए, मुझे वो लगता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को सोचेंगे जो आपके हाथ में नहीं है, तो जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप अगर बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आप अगर बेटर चांस दे रहे हैं अपने आप को वहाँ पे जाके इम्पैक्ट करने के लिए, तो आई थिंक यू आर गुड, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो कभी आपके जहन में आएगा नहीं, या आपके तरफ आ सकता है नहीं आ सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रज्ञान जी, एक सवाल पीछे रह गया था, वो ये था कि क्रिकेट की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? क्रिकेट की यात्रा स्कूल क्रिकेट, वहाँ से
टेलीविज़न पे मुझे अभी भी याद है 96 वर्ल्ड कप जो भारत में, श्रीलंका में और पाकिस्तान में खेला जा रहा था, आई थिंक हम तीन कंट्री मिलकर खेले थे, तो वो देखते हुए बड़ा हुआ। फिर मेरे अंकल जो है, मेरे मदर के जो ब्रदर मामा जी, वो खेलते थे, तो घर में वो हमेशा नॉकिंग करते रहते थे, तो वो चीज़ देख के मुझे मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बैट्समैन बनने की सोच थी बचपन में, मैं बात कर रहा हूँ जब 11 साल का था, क्योंकि बैटिंग एक ऐसा होता है ना कि वो बैटिंग बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि एक्चुअली जो गेम है ना वो बॉलरों का है। अच्छा, वो कभी किया है कि मेरा बैट है मैं ही बैटिंग करूंगा? वो तो हर किसी ने किया है, जो 90s में बड़ा हुआ है उसने किया है, कहते ये मेरी बॉल है, अगर मैं बॉलिंग नहीं करूंगा तो मैं जा रहा हूं बॉल लेके। वो बैट्समैन कहेगा ये मेरा बैट है मैं पहले बैटिंग करूंगा। फिर एक नया आया, ये मेरे घर के सामने खेला जा रहा है, अगर मैं पहले बैटिंग बॉलिंग नहीं करूंगा तो मेरे घर के सामने से जाओ, क्योंकि हम खेलते थे घर के सामने। फेवरेट सिटी कौन सी है? फेवरेट सिटी मेरे लिए हैदराबाद, क्योंकि पला बड़ा हूँ, इमोशनली कनेक्टेड। फेवरेट फूड बिरयानी। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे प्रज्ञान ओझा को। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।